सभी को नमस्कार, मैं सरिता आज आप सबके सामने लोकोज एप्लीकेशन के विषय में बताऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये लोकोज एप्लीकेशन है। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया। एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ सभी स्टेट्स दिख रहे हैं, आप जिस भी स्टेट से हो आपको सेलेक्ट करना है। मैं हरियाणा से हूँ, मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है। इसके साथ साथ आप लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। मैं हिंदी के साथ जाना चाहूँगी, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया और सबमिट पे क्लिक किया। यू हैव सेलेक्ट हिंदी एज योर रीजनल लैंग्वेज, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद सेम। आपने हिंदी का चयन किया है, क्या आप इसके साथ आगे जाना चाहेंगे। मैंने यस पे क्लिक किया और यहाँ एप्लीकेशन कुछ परमिशन हमसे मांगेगी। पहले फोटो के लिए हमारे से परमिशन मांगी जा रही है, हमने अलो करना है। उसके बाद लोकेशन परमिशन हमसे मांगी जा रही है, हमने अलो करना है। और पिक्चर और रिकॉर्ड की अलो हमने करना है एप्लीकेशन को। उसके बाद हमने रोल सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट रोल पे क्लिक किया और कई तरह के रोल हमारे सामने निकल के आए हैं। एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर, एसएचजी ट्रांजैक्शन अप्रूवर और सीएलएफ बुककीपर। अभी हमें एसएचजी बुककीपर पर काम करना है, तो मैं एसएचजी बुककीपर के साथ जाना चाहूंगी। उसके बाद हमें आईडी व पासवर्ड भरना है। जो आईडी और पासवर्ड आपको ब्लॉक बीपीएम द्वारा दिए गए हैं, वो आईडी और पासवर्ड आपने डालने हैं। अगर आप आईडी आपका कैपिटल में दिया गया है या स्मॉल में दिया गया है, आप दोनों तरह से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी आईडी डाली, एचआर, यह एक स्टेट कोड है, इसके साथ है अंडरस्कोर। इसी तरह का दिखने वाला हमारे पास डैश भी है। हमें डैश के साथ नहीं जाना है, हमें अंडरस्कोर के साथ जाना है। और मैं आईडी डालूंगी। मैंने आईडी डाली, उसके बाद मैं पासवर्ड डालूंगी। आईडी हम देख सकते हैं कि कैपिटल में है, स्मॉल में है, दोनों में ही आईडी हमारी चल जाएगी। लेकिन हमें पासवर्ड डालते समय ध्यान रखना है कि कौन सा अक्षर हमें स्मॉल में दिया गया है और कौन सा कैपिटल में दिया गया है, वो उसी तरह हमें पासवर्ड डालना है। हमें पासवर्ड दिया गया है टी, जिसमें बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं। तो टेस्ट मैंने डाला, @123। उसके बाद हमें मैंने सो पासवर्ड पे क्लिक किया ताकि मैं अपने पासवर्ड को देख पाऊँ। और मैंने पासवर्ड देखा, मैंने सही से पासवर्ड डाला है और अब मैं लॉगिन करूंगी। जब हम आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, तभी हमारा मास्टर डेटा डाउनलोड होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मास्टर डेटा डाउनलोड हो रहा है। मास्टर डेटा डाउनलोड होने के बाद इस तरह का फेस हमारे सामने आएगा, जहाँ हमें एसएचजी बुककीपर की आईडी दिख रही है और रोल दिख रहा है। यहाँ हमें जनरेट पिन करना है। आसान से आसान पिन हमें यहाँ जनरेट करना है, जो हमेशा हम याद रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पिन जनरेट कर किया, 1 2 3 4। उसके बाद मैं कंफर्म पिन पे जाऊंगी, 1 2 3 4। तो मैंने अपने पिन को सिलेक्ट कर लिया है। पिन जनरेट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का फेस नजर आएगा। सबसे पहले ऊपर आपको येलो पट्टी दिख रही होगी और कोने में हमें तीन लाइनें दिख रही हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ हमारी प्रोफाइल की डिटेल निकल के आई है, न्यू एसएचजी प्रोफाइल, होम, लास्ट सिंक्रोनाइजेशन, चेंज पासवर्ड। इसमें आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। हमारा जो विलेज है, हमारे पास जो जो विलेज दिए गए हैं, चेंज लैंग्वेज हम कर सकते हैं, चेंज रोल हम कर सकते हैं, जो अन्य रोल हमें दिए गए, इसके विषय में हम विस्तार से एक वीडियो में आप सबको बता देंगे। यहाँ क्लोज है और लास्ट में वर्जन एप्लीकेशन का दिया गया है, जिस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा वर्जन है 2.0.32.2। यह टेस्ट वर्जन है, हम टेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ बुककीपर का नाम दिख रहा है, सरिता बीके। अब इसके साथ साथ हमारी लैंग्वेज दी गई है, हिंदी और इंग्लिश। जो भी हम लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, वो लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई देगी। हमने
हिंदी सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ हिंदी दिख रहा है। मैंने हिंदी पे क्लिक किया और यहाँ देखिए हमारा सारा ही फेस हिंदी में हो गया है, और मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो ये दोबारा से इंग्लिश में हो जाएगा। तो जैसे ये मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो इंग्लिश में हो गया है। हमारे पास यहाँ 6 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहला है माई मीटिंग, फिर है माई टास्क, फिर है SHG जो 0 काउंटिंग दिखा रहा है, SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन रिपोर्ट एंड SHG मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन, जो ऊपर वाले दो बॉक्सेज हैं और जो नीचे वाले दो बॉक्स हैं अभी हमें उनसे काम नहीं लेना है। यह हमारे दूसरे चरण में हमारे काम आने वाले हैं। अभी हमें दो जो बीच वाले बॉक्स हैं उनसे ही काम लेना है। सबसे पहले मैं SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन पे जाऊंगी जिससे हमें हमारा डेटा मिल सके। जो SHG हमारे BPM द्वारा, हमारे ब्लॉक स्टाफ द्वारा हमारी ID में डाले गए हैं, उन SHG को हमारी ID में लाने के लिए हमें क्या करना है मैं उसके विषय में बताऊंगी। यहाँ हमारे पास डाउनलोड और अपलोड दो फेस निकल के आए हैं। अभी हमें डाउनलोड पे ही काम करना है। यहाँ अपलोड स्टेटस है, अप्रूवल स्टेटस है, कंप्लीट डेटा है और मास्टर डेटा है। मास्टर डेटा हमारा जब हमने लॉगिन ID किया तभी हमारा हो चुका है। और कंप्लीट डेटा के विषय में मैं दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। धन्यवाद।